हेलो गाइस, मेरे चैनल में आज आपका स्वागत है एसपी ज्ञान में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू गाइस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो बनने वाली है गाइस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पोस्ट कितनी होने वाली है गाइस। पोस्ट होने वाली है 5000 प्लस पोस्ट होने वाली है। डेट ऑफ एडवर्टाइज आपकी 2 मार्च 2023 को, यानी ऑनलाइन फॉर्म हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट आपको दे रखी है 31 तारीख और 31 मार्च 2023, और मंथ ऑफ एग्जाम अप्रैल या मई, मई में आपकी डेट आ जाएगी किसकी, एग्ज़ाम 2023 की। उसके बाद आ जाते हैं सिलेबस। द सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आ जाते हैं गाइस सिलेबस पे, यानी कि सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले रीजनिंग आने वाली है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। टोटल टाइमिंग गाइस कितनी है, आपको मिलेंगे 90 मिनट। उसके बाद जनरल नॉलेज की बात हो जाती है, जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। नंबरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स हो जाएंगे, बेसिक मैथ्स रहेगा, एडवांस नहीं आता है ज़्यादा इसमें, तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल भी जोड़ दिया गया है गाइस, जो कि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो क्वेश्चन आपके टोटल गाइस कितने हो गए हैं, टोटल आपके हो गए हैं 100, और मार्क्स आपके 100 और मिनट 90 मिनट। सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, नीचे देखते हैं मैंने नोट्स में क्या लिखा है। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग आर अ 0.25 मार्क्स, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग पर क्वेश्चन पे है, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। उसके बाद गाइस अब बात कर लेते हैं हम अपने सिलेबस की। तो जीएस में आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने जीएस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो मैंने सब्जेक्ट में और दूसरा करंट अफेयर में, और करंट अफेयर और स्टैटिक में। गाइस आपको मैं तो कहती हूँ कि मंथली करंट अफेयर पढ़ लो, यानी या फिर आप डेली सिर्फ 15 मिनट दो, क्योंकि पता है एक एक साल पुरानी करंट अफेयर आती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक में। स्टैटिक में आपको डेली 30 मिनट तो देने ही देने हैं, क्योंकि स्टैटिक भी भर भर के पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट में मैंने पार्ट दिए आपके लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी। साइंस में आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। इंपॉर्टेंट कौन से सब्जेक्ट है कि दीदी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे? तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से ज़्यादा वेटेज रखने वाले सब्जेक्ट, पढ़ना तो सब कुछ है लेकिन वेटेज ज़्यादा, तो हिस्ट्री, जनरल पॉलिटी, आर्टिकल हो गए हमारे, सब पे ध्यान देना है। मतलब जनरल पॉलिटी तो पढ़ लेनी है अच्छे से, और ये हमारा बायोलॉजी, इन तीन सब्जेक्ट से ना सबसे ज़्यादा वेटेज क्वेश्चन रखते हैं। आते तो इकोनॉमिक्स से भी हैं, जियोग्राफी से भी हैं, केमिस्ट्री से भी एक दो क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, पर ज़्यादा वेटेज ये रखते हैं। अब आते हैं हम बेस्ट बुक पे। गाइस मैंने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत करी है, सच बता रही हूँ, और मैंने कम से कम 10 साल पुराना डाटा निकाल के देखा है कि कहाँ से वेटेज रख रहे हैं क्वेश्चन। तो प्लीज़ लाइक कर देना या डिसलाइक कर देना, ना पसंद आए तो, पर कुछ फीडबैक ज़रूर देना। उसके बाद गाइस बुक की बात करते हैं, नोट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपने जीके में तो सबसे पहले नोट्स बनाने हैं, प्लस मनोहर पांडे 30 रुपये वाली किताब, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, 30 रुपये वाली किताब ज़रूर खरीद लेना, रट दो, 3-4 बार रट दो, फिर MCQ पे आ जाते हैं। पूछते दीदी MCQ के लिए बेस्ट कौन सी रहेगी, पिक्चर कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, तो ये किरण है चैप्टर वाइज या घटना चक्र। अगर किसी के पास घटना चक्र ऑलरेडी है तो वो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं तो वो भी अच्छी है। अगर किसी के पास किरण चैप्टर वाइज है वो भी अच्छी है, लेकिन अगर दोनों ही नहीं है और हमें खरीदनी है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ किरण चैप्टर वाइज खरीद लो। 50 नंबर की बात है यार, दिल्ली पुलिस की बात है, और ऐसे वैसे बच्चे सेलेक्ट नहीं होने वाले, सबको पता है, एक साल पहले पता है वैकेंसी आने वाली है, सब तैयारी कर रहे हैं। कौन सी बुक नहीं लेनी है, लूस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि SSC का 10% और 20% डाटा इसमें से नहीं आता है, जो छूटा हुआ है। मैं मानती हूँ UPSC लेवल की है, लेकिन इतना पढ़ो ना जितना आए। उसके बाद एक बुक आती है पिनेकल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें आपको यार बेसिक, जब तक हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं है तो हम आगे का कैसे करेंगे। उसके बाद राकेश यादव होती है, राकेश यादव सन्ने SSC के क्वेश्चन कम लिए हैं, MP के ले लिए हैं, UP के ले लिए हैं, तो ज़्यादा फोकस नहीं करा है सन्ने SSC के क्वेश्चन पे। नो डाउट बुक बहुत अच्छी है सर की, बस
जिसमें अच्छी है मैं उसमें बताऊंगी। मैथ्स में अच्छी है तो नो डाउट, मैथ्स में तो अच्छी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब आप हमारा रीजनिंग, जो 25 मार्क्स की है, फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर है। लेकिन अगर फ्री के नंबर भी आप छोड़ रहे हो ना, तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। डेली आपको क्लास लेनी है, 150 क्वेश्चन करने हैं, ये डेली के हैं। बुक राकेश यादव नो डाउट ले सकते हैं, अरियंत ले सकते हैं, लूसेंट ले सकते हैं, किरण ले सकते हैं, एनी बुक, कोई भी बुक ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है और आप मुझसे पूछते हो दीदी हमें बुक ख़रीदनी है, तो मैं कहूँगी बेटा किरण खरीद लो, बेस्ट बुक है। आगे की भी तो तैयारी करनी है, कहीं कॉन्स्टेबल तक थोड़ी ना रह जाना है। उसके बाद बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, भर भर के नॉन वर्बल रीजनिंग आ रही है गाइस। और पता है मैं है ना आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर उठा के देख के जब आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो नॉन वर्बल रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद अब बात करते हैं मैथ्स की, मैथ्स के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 नंबर के रहेंगे, लेकिन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार बच्चों की हालत ख़राब हो गई थी मैथ्स के क्वेश्चन करने में। सबसे पहले तो क्लास लीजिए, नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीदी कहाँ से करें? बुक राकेश यादव, किरण, लूसेंट, पाइनेकल, अरियंत। मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक जो होगी आपकी, सबसे ज़्यादा बुक आपकी बेस्ट होगी राकेश यादव, नो डाउट। राकेश यादव के पहला टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप तक लगाइए। मैं ये नहीं कह रही सारे लगा लिए, 7300 क्वेश्चन हैं 15 नंबर के लिए, नहीं, पहले पहले टाइप लगा लिए। किरण बिल्कुल नहीं लेनी है, क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि एक्स से इन्होंने एक्स लेके सोल्यूशन दे रखे हैं, और आप हमें जिसको सोल्यूशन देखने हैं वो तो राकेश यादव ही बेस्ट है। लूसेंट बहुत गंदा डाटा है, पाइनेकल बहुत ज़्यादा लेवल है, अरियंत बहुत गंदे क्वेश्चन हैं इनके साथ। अगर आपको सोल्यूशन भी देखने हैं तो राकेश यादव, अगर आपको मैथ्स पहले से आती है तो किरण है इस ओके, क्योंकि उसमें आपको सोल्यूशन नहीं देखने हैं तो चलेगी, क्योंकि वो एक्स से सोल्यूशन कर रखे। उसके बाद गाइस आ जाते हैं कंप्यूटर पे, कंप्यूटर हमारा 10 नंबर का होने वाला है, और क्लास के नोट्स चलेंगे, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से नोट्स बना रहे हैं, आपके पास पतली सी बुक है तो चलेगी। एमएस एक्सेल पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन में से मैंने देखे कि इन दोनों में से ही 7 क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, मैंने देखा। और आपका कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट हो गया, WW हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, गाइस सब पे ध्यान देना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो MS Excel और MS Word पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और इस वीडियो पे गाइस मैंने बहुत मेहनत करी है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय।